इतना भूख लगी है मुझे कि मैं क्या बताऊं। सुबह ब्रेकफास्ट किए, अभी टाइम कितना हुआ पहले वो बता। एक्चुअली मुझे जब एक्सट्रीम भूख लगती है ना तो मुझे हिकअप्स आ जाते हैं। अभी 12:07 हुए हैं और सुबह एक पाव बटर डाल के खाए। तो मैंने पंकज को बोली थी कि मैं ये बना, एक्चुअली कितना भी पानी पी लूँ या पीछे कोई मारे मेरा जाएगा नहीं जब तक खाना मेरे पेट के अंदर नहीं जाएगा, मतलब मुंह के अंदर नहीं जाता और पेट तक नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा ये हिकअप्स नहीं जाएंगे। क्या हुआ, तो मैंने पंकज को बोली थी कि पंकज मैं कोई सब्जी करती हूँ खाने के लिए, तो व्हाट ही सेड, ना ना बटर में बहुत टेस्टी लगता है वो जो खाए। अभी इतना भूख लगी है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। और अभी क्योंकि उखड़ा राइस खाते हैं तो उसको भिगो के रखना पड़ता है फॉर 1 आवर। सो भिगाने रख चुकी हूँ। सो अभी हमने ऑर्डर दिए हैं मोमोज। अभी मोमोज कब आएगा पता नहीं, 15 मिनट शो हो रहा है। पहले मेरे हिकअप से मतलब पहले कुछ खा लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जैसे वेलकम बैक टू आवर चैनल। तुम्हारे वजह से मेरा हिकअप्स नहीं जा रहे हैं। मेरा खाना किधर है, तुम पीठ किसको दिखा रहे हो? पंकु, आई एम रिकॉर्डिंग। क्या हुआ? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? वेयर इज माई मोमोज? मोमोज डिलीवरी बॉय रहेगा। हाँ तो उसको बोलो जल्दी आने के लिए, बोलो आने। मेरा हिकअप्स नहीं जाएगा। ध्यान बटाओ। किधर, मुझे नींद आ रही है, भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है। सो जाओ थोड़ा। हाँ चलो जाओ, तुम अपना काम करो, मैं इंतज़ार करती हूँ। सो फाइनली आ गया है। ये कुछ अलग तरीके का बारबेक्यू एंड है। हनी चिली। हाँ, बारबेक्यू एंड हनी चिली, ये शायद बारबेक्यू होगा। और ये भी नीड अ चम्मच, हाथ से नहीं खा सकते। सो ये है, हो गया हो गया, वो कागज़ में ही डालो। सो ये है, क्या बोला था तुमने, हनी चिली? हनी चिली मोमोज और बारबेक्यू मोमोज। पहले पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम, फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा। तो खाते चम्मच ला रहे हो ना, दो ये लाओ, एक चम्मच ला। सो ये है बारबेक्यू, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा भी बनता है। एक बार मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। दोनों सप्पर है, एक्चुअली मुझे ना परसों खाने का मन था, हुआ नहीं, आज हो गया। सो ब्लैक कॉफी इज रेडी। टैरंग एक लाइट ऑफ करना है। पंकु फैन जरा ऑफ कर दो ना। सो अभी बरामदे में जाएंगे और हम दोनों मिलकर पहले कॉफी पियेंगे, थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए। वैसे आज डेजी ने नहाया है, मुझे बनाना था एक ब्लॉग की यू नो डेजी कैसे यू नो बात लेती है। नेक्स्ट टाइम ना इसके लिए अलग सा एक वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली ना मैंने बनाया भी था बट वो दिखाने लायक नहीं था तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। सो चलिए अभी हम एंजॉय करते हैं। ये रहा डेजी का, ये क्या बोलते इसको, टावल। और उसका ये लेके अभी क्या होता है ना, नहाने के टाइम पे ये वाला यूज़ करेंगे, नो वेस्ट। सो फिर से मुझे दाल बैठाना पड़ा, उड़द दाल है। सो ये दाल अभी तक पका नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि ये सीटी मार नहीं रही थी तो मैंने ऐसे करके मैंने सीटी मतलब ऐसे करके किया कि सीटी मार दे,
पर हुआ नहीं, इसलिए फिर से मैंने बैठाया है। और मैंने इसमें हल्दी डालना भूल गई, तो मैंने अभी फिर से हल्दी डाल दी है। कम से कम 2 सीटी तो इसको मारना पड़ेगा। सो ये रहा, एक मिनट लाइट ऑन करते हैं, मुझे दिखाई नहीं देगा। हाँ, सो ये रहा सोया चंक्स का करी। मैंने थोड़ी देर पहले आलू ऐड किया है, सो इसलिए आलू बॉयल हो जाने के बाद फिर लास्ट में कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। एंड ये जो ग्रेवी बनाया है सोया चंक्स का, ये विदाउट ऑयल है, विदाउट ऑयल बनाया है। मेरा भी डिश मैं विदाउट ऑयल ही और उखरा राइस ही चल रहा है। सो ये रहा राइस। जब राइस बन जाता है ना तो उसका कलर एकदम वाइट टाइप हो जाता है, नहीं तो पहले तो आपने देखा ही। और ये रहा इसका रंग, बाय गॉड देखने लायक है। शाकुती, वेज शाकुती, ये कोकोनट ऑयल में बनाया गया है। और ये रहा हमारी महारानी। इसको पता नहीं, ये जो यहाँ पे, ये मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये जो जगह है ना, क्या बोलते, क्या फिल करते हैं, सीमेंट पाउडर या समथिंग, तो वो उसको नाखून से खुरट खुरट के उसको खा रही है, पता नहीं। ए डेजी, हाय हाय बोल। नहीं एंड पंकु इधर डेजी के साथ खेल रहा है। सो मेरे चेहरे पे मत जाना, एक्चुअली प्याज कट किया था ना, तो मेरे आंखों से आंसू आने लगे, तो जिसके वजह से मेकअप मतलब मुंह धोना पड़ा। वैसे आप बिलीव नहीं करोगे, इन दिनों मैं थोड़ा बहुत बिजी थी, सो मैंने काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स मैंने देखे नहीं। ऑलमोस्ट पकड़ लो हर एक ब्लॉगिंग चैनल का कम से कम 5-6 एपिसोड्स मैंने मिस किए हैं। सो आज मतलब कल से मैंने देखना शुरू किए, कल से मैं सिर्फ अनुपमा सीरियल ही देख रही थी। चलिए अभी हम लोग अपना लंच कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है 2:16, फिर मुझे भी निकलना है बाल भवन के लिए। सोची थी नहा कर जाऊँगी, पर नहीं हो पाएगा, बस चेंज करके चली जाऊँगी। सो खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। मैं इस साइड क्यों जा रही हूँ। सो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं इस वक्त बना रही हूँ चाय हम तीनों के लिए, पंकु। सो हम तीनों के लिए, एक मिनट सारा फोन यहाँ पे रख दो। किसके कपड़े हैं? सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो एक्चुअली मैं भूल जा, एक्चुअली आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो इसलिए क्योंकि आज का जो लंच था ना, बहुत बकवास बना। शाकुती वेज शाकुती जो था वो बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी बट हाँ एक्चुअली अच्छा हुआ। बट क्या बोलते हैं, मैंने सब ये हो रहा है, मिक्स हो रहा है। एक्चुअली आज मैं बाहर से मार्केट से मैं ये लेके आई, क्या बोलते हैं, पैटिस, वेज मम्मा के लिए एंड नॉन वेज मतलब अंडा पैटिस फॉर आर। ये जरा मम्मा को दे दो ना, और तुम डेजी को लेके आए हो ना, ये मम्मा को दे दो। हाँ मैं अपने चाय में थोड़ा सा शुगर लूँगी, नहीं तो मुझे दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 टीस्पून। सो मैं बोल रही थी आज का दोपहर का जो लंच था ना, बहुत बकवास हुआ। एक्चुअली जो दाल था ना, इधर दाल का जो क्वांटिटी था वो इधर ज़्यादा हो गया था, नहीं तो मैंने पानी बहुत कम डाल दिया था, जिसके वजह से ना वो पता नहीं थोड़ा खारा टाइप लगा, या हो सकता है नमक ज़्यादा हो गया हो। ये आई डोंट नो, ये वाला जो पंकज ये लोकल वाला लेके आए, मैं एक्चुअली कभी लोकल वाले का मैंने कभी यूज़ किया नहीं, लोकल का जो ये सोया चंक्स है ना, मैंने लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया। सो पहली बार यूज़ की, नॉर्मली मैं फॉर्चून का ही यूज़ करती हूँ, फॉर्चून ही शायद, हाँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये रहा पैटी और ये रहा हम दोनों का चाय। अब मैं जा रही हूँ बैल्कनी में बैठ के खाएंगे, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया है, क्या सोचा था क्या हो गया। एनीवेज
पंकज खोल दो ना वो दरवाजा, तुम पहले जाओ। जाओ ना, मेरे हाथ में प्लास्टिक है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि डेजी आ रही है। सो इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करते हैं, चाय और पैटीज, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं यहाँ पे बैठ के, एक्चुअली पंकज ने मुझे बहुत पहले बताया था, ये देखिए हनी बी का घर कितना बड़ा। इसलिए मैं सोच रही थी इतने बड़ा, मतलब इतने बड़े बड़े हनी बी यहाँ पे कैसे यू नो घूम रहे हैं। दूसरा किधर है? ओ शिट, दूसरा उधर, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए वो एक वो दो। इसलिए मैं सोचूं कि सेकेंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो एक बार पूरा, मतलब इतना यहाँ पे फैल गया था ना कि हमें ये व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, इतना काला 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 था। कल या परसों भी, कल इतने सारे थे वो सेम वे। मैं हम नहीं बोली, चलो आराम से खा लेते, एंजॉय कर लेते हैं डर डर के। सो हो गया हमारा स्नैक्स खाना और चाय भी, आज चाय अच्छी बनी, थोड़ा अंधेरा रहेगा, अब लाइट में आ गई। पर अभी थोड़ा काम है, ये जो बर्तन है और कुछ दोपहर के बर्तन भी मैं रख के गई थी, एक्चुअली मैं धो रही थी बट टाइम हो चुका था, मैंने टाइम चेक नहीं की। पंकज को मैंने पूछा कि टाइम कितना हुआ, तो पंकज ने कहा कि 2:40 हो गए, तो मेरे पास टाइम नहीं था। सो मैंने थोड़े बर्तन धो के गई, थोड़े बर्तन हैं, सो ये सारे बर्तन अभी धो लूँगी। फिर हमारे जो कपड़े, दिखाती हूँ कितना सारा कपड़े, देखिए कितने सारे कपड़े जम गए, पूरा बकेट भर चुका है। सो ये अभी मैं धोऊंगी, एटलीस्ट एक राउंड तो अभी मैं कंप्लीट करूंगी। सो बर्तन भी धो लूंगी और उसके साथ साथ ये एक राउंड मैं कपड़े धो लूंगी, फिर दूसरा राउंड मैं बाद में, इवनिंग, मतलब इवनिंग तो हो चुका है। सो थोड़ी देर बाद मैं करूँगी, और यहाँ पे सारे पंकज के कपड़े टंगाए हुए। सो चलिए, उसके लिए मुझे पहले फोन रखना है। सो मैंने बर्तन धोकर नहा कर, वैसे कपड़े अभी भी चल रहा है, मतलब धो रही हूँ, फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, एंड मैं ड्रेस थोड़ा मेकअप करके रेडी होकर बैठ गई हूँ, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि एक इंस्टाग्राम रील करूँ एंड उसके बाद मुझे लाइव करना है। सो पंकज पीछे है, पंकज खेल रहा है डेजी के साथ, तो इसके साथ साथ मतलब लाइव करते करते इंस्टाग्राम में पता नहीं एक दो तो रील्स बनाने का इच्छा है, बना कर फिर मतलब वही करते करते कपड़े भी धो लूँगी, एंड जो डाल है उसको मैं मॉडिफाई करना है। अभी टाइम कितना हुआ, 8 बजने में 10 मिनट बचा है, सो 9:30 बजे मैं डाल थोड़ा ये करूँगी, मॉडिफाई करूँगी, इवन ये भी सोया चॉक्स। सो पंकज शायद जाएगा पाव लाने, तुम पाव लाने जाओगे ना? चलो अभी मैं अपना वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। सो मैं फिर से कैमरा ऑन की, बिकॉज मेरे दिमाग में था, बट होता है ना अपना घर का भी, मतलब एक चीज़ को लेके तो हम कंटिन्यूस सोच नहीं सकते ना, हमारे दिमाग में बहुत कुछ रहता है सोचने के लिए, बहुत कुछ चीज़ ऐसे होते हैं लाइफ में जो यू नो 24 आवर्स यू नो किसी ना किसी तरह अपने दिमाग में चलता रहता है। सो अभी मैंने इंस्टाग्राम ओपन की तो मैंने किसी का स्टेटस देखा एंड मुझे अचानक याद आया, सो सिद्धार्थ शुक्ला जिनका आज हुआ या कल ना, आज सो सुबह न्यूज मिला, बहुत ही शॉकिंग है, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि इस एज में उनको हार्ट अटैक आया, ऐसा कैसे हो गया, इस एज में किसको आता है,
बट मैं ऐसे नहीं कह सकती बिकॉज इससे भी कम से कम उम्र के लोगों को आ जाता है. बट सीरियसली अनबिलीवेबल था. एंड मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पसंद है अभी भी बिकॉज मैंने उनको जब पहली बार बालिका वधू में देखी थी तो तब मुझे बहुत पसंद आया बंदा. देन बिग बॉस में था, वो विनर रह चुका है. सो और एक दो वीडियोस भी देखे उनके. सो मीन्स यू नो जो म्यूजिक वीडियोस, एक तो टोनी कक्कर नेहा कक्कर का एक वीडियो शायद उन्होंने काम किया था. सच में मतलब कब क्या हो जाए किसी को भनक भी नहीं पड़ता, किसके किस्मत में क्या है किसी को नहीं पता. बहुत अजीब लग रहा है बिकॉज जब सुशांत राजपूत, सुशांत राजपूत का डेथ हुआ था, वॉट एवर रीजन, बहुत अजीब लग रहा है. सो ऑलमोस्ट 60% काम हो चुका है, 40% बचा है. सेकेंड राउंड मतलब कपड़े जो धो रही हूँ, सेकेंड राउंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो और तीन चार बार वॉश किया तो हो जाएगा. और मैंने जो बनाया था सोयाबीन का करी और दाल, फाइनली खाने लायक भी नहीं, उसके एक स्टेप आगे है, मतलब अच्छा हुआ है खाने में. सो अभी क्या सोचे हैं कि दाल और जो मैंने वेज शाकुती बनाई थी पनीर का, प्लस मैंने ये जो सोयाबीन का करी की है, वो कल दोपहर के लिए रख देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी का है, स्पेशली शाकुती. और पंकज और मेरे लिए सोयाबीन का करी क्योंकि मम्मा उतना पसंद नहीं करती. और दाल जो है तीनों का इजीली हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके लिया तो हो जाएगा. सो मैंने क्या सोचा है, जो वेज शाकुती है और जो सोयाबीन का करी है, उन दोनों में कल थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रॉन्स डाल दूँगी. सो प्रॉन्स ही डालना है और सिर्फ राइस बनाना है. और थोड़ा सा राइस बच गया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक राइस बच गया है. तो हमने मतलब पंकज को तो बिरयानी खाना था, पता नहीं कब से खाने का मन था उसको दम बिरयानी. एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी उसके किस्मत में नहीं रहा. तो हमने एक करी, एक्चुअली कल हम लोगों ने एक करी खाए थे ना, एक्चुअली एक करी ना इज लाइक फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ यू नो बचपन, इट्स काइंड ऑफ अ बचपन. क्योंकि जब छोटे थे ना, जब हमें एक एक करी मिलता था, हम लोग सारी डिश मतलब जो भी दाल सब्जी जो कुछ भी बनता था ना सब खा लेते थे. उसके बाद जो अंडा करी का अंडा रहता था, इवन अंडा करी राइस के साथ भी खा लेते थे, पर जो अंडा बचता था वो अंडा हम साइड में रख देते थे, लास्ट में खाते थे. मतलब मैं तो ऐसा करती थी, आप में से कोई करते थे क्या इस तरह का? मतलब अगर आप लोगों को अंडा पसंद है तो इस तरह से अंडे को अपने एंड तक रखा, पहले सारे खाना अपने फिनिश किया, उसके बाद आराम से सुकून के साथ अपने अंडे को एंजॉय किया. तो मुझे अंडा करी बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे किसी भी डिश, मतलब बहुत सारे डिश है जो मुझे बहुत पसंद है, पर अंडा करी अगर मिल जाए और राइस मिल जाए ना, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. या रोटी भी मिल जाए ना अंडा करी के साथ तो भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तो कल मैंने देखा तो मैंने ऑर्डर किया था, पंकज को इतना अच्छा लगा कि आज उसने कहीं और से उसने ऑर्डर किया. सो जो राइस है वो हम अंडा करी के साथ खा लेंगे. सो थोड़ी देर में आने वाला है. सो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. आई डोंट नो, आज शायद उतना खास बना नहीं ब्लॉग, बट जो भी हो कुछ शेयर तो करना है. और ये कहीं ना कहीं इस तरह के मेमोरीज भी कैप्चर करके रखना ज़रूरी है कि ऐसा भी कभी समय गया था. चलिए अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय.